नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में यहाँ पे जो हम बताने वाले नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं आपको आइडिया एक्टिवेशन। तो यहाँ पे क्या है यार, अगर आप भी रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, अगर आप भी रिटेलर हैं और सिम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो यार अभी क्या है, एक न्यू प्रोसेस आने वाला है। तो न्यू प्रोसेस आने से पहले ही मैं वीडियो क्रिएट किए दे रहा हूँ, बट मेरे को यार जो था वो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था, और नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे बताया गया था कि जो है आपका ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी मैं आपको यार पुराना जो प्रोसेस है उसी तरीके को मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे जो है आइडिया का ऐप जो है एक्टिवेशन वो यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको पहला जो ऑप्शन मिल जाता है वो यहाँ रिचार्ज के लिए, और जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे न्यू सब्सक्राइबर आपको जो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपको एक्टिवेशन करना होता है। जो दूसरा वाला, ये जो दूसरा वाला है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको एक्टिवेशन का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। और ये तीसरा जो आपका ऑप्शन होता है, यहाँ से आप जो है सिम रिप्लेस, यानी कि सिम किसी का खो जाए या किसी का गिर जाता है तो वहाँ से आप जो है इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये जो है, ये जो फोर्थ वाला आपका है, यहाँ पे आपको जो है हेल्प चाहिए हो तो यहाँ से आप जो है क्लिक करके हेल्प भी ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो काम है वो यहाँ पे टू जो ऑप्शन है, यहाँ पे हमको दूसरा ऑप्शन है उस पर हमको टैप कर देना है। तो जैसे हम उस पर टैप करते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल, इस पर जैसे हम टॉप करते हैं यहाँ पे आपको छोटा सा, बहुत छोटा सा ये पॉइंट मिल जाता है। इस पॉइंट पे हमको करना है क्लिक। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं नॉर्मल और MNP और चॉइस। तो यहाँ पे हमको करना है कि अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप जो है नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉर्मल है तो नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है तो आप चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको MNP करनी है, MNP वो होता है, आप लोगों को शायद मालूम है, ठीक है। तो MNP सारे लोगों को मालूम है क्या होता है। तो उसके बाद में यहाँ पे सिंपली मेरे पास नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद FRC यहाँ पे जो है मैं 76 को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, बट FRC जो है यहाँ से मैं 76 यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको टैप करके भी यहाँ से मिल जाता है, और यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने का सिंपली अभी तक क्या होता था, स्कैन ये नहीं होता था, आइडिया जो नंबर था वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ता था, बट अभी ऐसा नहीं है यार। अब जो है आप स्कैन करा सकते हैं आइडिया का नंबर, अभी तक स्कैन नहीं होता था। अभी वोडा जियो बाकी सारे के सारे जो थे वो यहाँ पे स्कैन हो जाते थे, ठीक है। तो आइडिया का नहीं हो रहा था, बट आइडिया भी यहाँ पे जो है वो फीचर आ चुका है। तो चलिए, मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। जैसे ही टैप करते हैं, टैप करने का सिंपली ये जो मेरा है वो QR कोड स्कैनर जो वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, और सिंपली मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, तो ये सिंपली स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड जो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है नीचे की तरफ, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने का सिंपली ये मेरा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको ये छोटा सा एक आइकन मिल जाता है, इस पर हमें टैप करना है। तो जैसे हम इस पर टैप करते हैं, टैप करने का सिंपली यहाँ से जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसको यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड को यहाँ से चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दे देना, यहाँ पे आपका प्लेस जो भी है जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको नाम दे देना है, यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड का यहाँ पे पिक्चर होता है वो यहाँ पे आपको जो है फ्रंट साइड का दे देना है, और यहाँ पे आपको बैक साइड का यहाँ पे जो है वो पिक्चर दे देना है, यानी कि दोनों तरफ का आपको फ़ोटो जो है वो आधार कार्ड का यहाँ पे फिलअप कर देना है। जिसे हम इस पर टैप करते हैं, टैप करने का सिंपली है मेरा कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ से हमको आधार कार्ड का फ़ोटो जो है वो खींच लेना है, और इधर से हमको बैक का फ़ोटो खींच लेना है। तो इधर यहाँ पे हमको पहले ऑप्शन पे यहाँ पे जो मिल जाता है वो यहाँ पे हमको फ्रंट का मिल जाता है, यानी कि जो ऊपरी भाग होता है जिसमें फ़ोटो लगा होता है वो यहाँ पे वो हमको लगा देना है, और यहाँ पे हमको लगा देना है जो बैक होता है जिसमें एड्रेस वगैरह होता है। हमको यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सिंपली हमको प्रोसीड कर देना है। तो चलिए, फटाफट मैं इतना कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यार भाई, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, बट यहाँ पे जो है आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन टू ऑप्शन यहाँ पे कहने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का बटन जो आपको नीचे बार में रेड कलर का दिख जाता है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में बेल आइकन घंटा है उसको भी ज़रूर से दबा दीजिए। तो सिंपली आधार का कुछ इस प्रकार से हमको जो है फ़ोटो खींच लेना है, बट यहाँ पे आधार का जो है वो आपको बैक साइड खींचना है। मैंने आपको डेमो के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ,
ये जो है आपका एड्रेस वगैरह आ जाना चाहिए। ऐसे इसको क्रॉप कर सकते हैं, एड्रेस फ़ोटो आपका आना चाहिए, बट आपको नीचे ही करना है। मेरे पास आधार है नहीं, बट यहाँ पे जो है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एड्रेस, नाम वगैरह और जो भी विलेज विलेज सब सारा सारा का सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा हुआ, ये आपका आधार है, आप समझ लीजिए, ठीक है। आप समझ लीजिए ये आधार है, इसको आपको यहाँ पे क्रॉप करना है। ऐसे क्रॉप करके आप इसको यहाँ से सेट करके, ऐसे आपको सेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे करना क्या है, क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हमको क्रॉप कर देना है। तो जैसे हम क्रॉप करते हैं तो दोस्तों जैसे हम फ़ोटो खींच करके फ्रंट और बैक साइड का दोनों का फ़ोटो खींच करके क्रॉप करते हैं, क्रॉप करने के बाद तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर फ़ोटो, तो कस्टमर फ़ोटो यहाँ पे खींचने के लिए हमको इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको ये बटन दिख जाता है, तो जैसे हम इस पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद सिंपली हमको फ़ोटो जो है वो यहाँ पर खींच लेना है। तो चलिए मैं डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ, बट मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये सिंपली हमको इसी प्रकार से जो है वो यहाँ पे रखना है फ़ोन को रखने के बाद ये सिंपली ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे हम कस्टमर फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सिंपली हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जिस भाई का, जिस कस्टमर का आपको एक सिम देना है या एक्टिवेट करना है, तो उनके सामने आपको लगा देना है उनका फ़ोटो खींचने के लिए। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके अपने आप खींच लेता है। खींचने के बाद ये सिंपली हमको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर हमको क्रॉप करना है। तो जैसे हम क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आता है। तो सिंपली यहाँ पे नीचे के बार में हमको मिल जाता है सबमिट का बटन, तो हम जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये सारा का सारा जो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो आपको फिलअप हुआ मिला हुआ है, यहाँ पे सारा का सारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे फिलअप है। तो ये फिलअप होता है, इससे पहले एक स्कैन का ऑप्शन आता है, जहाँ से मैंने बताया था कि आधार आपको सिलेक्ट करना है, आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके पास ही में एक छोटा सा स्कैन का ऑप्शन दिया रहता है, उस पर आप क्लिक करके जो आपका आधार है, आधार का जो भी क्यूआर कोड होता है उसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद सिंपली आपको ये सारा का सारा फिलअप हो जाता है। अगर फिलअप नहीं होता है या कस्टमर का आधार कार्ड स्कैन नहीं करता, तो आपको यहाँ पे ये जो है सारा का सारा ऑप्शन फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम ये अनिवार्य नहीं है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये फादर्स नेम, और यहाँ पे एक आपको अल्टरनेट नंबर डालना पड़ता है। तो मैंने सारा का सारा कर लिया, तो चलिए फटाफट से हम अल्टरनेट नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो कोई भी हम नंबर यहाँ से फिलअप कर लेते हैं, चलिए हमें करना नहीं है, बट आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद ये जो है सिंपली मेरा कुछ इस प्रकार के जो इंटरफेस वो निकल के आता है। यहाँ पे आपका जो भी ग्राम है वो यहाँ से आप ग्राम डाल सकते हैं, जो भी आपका गांव है तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ से आपको डाल देना है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है, यहाँ से आपको गाँव का नाम, यहाँ ये आपका सारा का सारा एड्रेस जो भी एड्रेस होता है, और यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश फिलअप जो भी आप रहते हैं वहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने का सिंपली यहाँ पे आपको पिन कोड फिलअप कर देना है। मेरा ऑटोमेटिक इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कि वहाँ पे जो है जो भी था वहाँ पे मेरे पास आधार कार्ड, मैंने उसका QR कोड स्कैन किया था, इसीलिए ये सारा का सारा मेरे को ऑप्शन फिलअप हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके इस पर हमें टैप करना है। जैसे हम टैप करते हैं ये ग्रीन हो जाता है, सॉरी ब्लू हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट कर देना है। एक वन मिनट, यहाँ पे जो है वो आपका गांव जो है वो 5 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद एक बार और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने कितने कनेक्शन ले लिए हैं। तो आपने अभी अपने आधार पर कितने कनेक्शन लिए हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप करके बताना पड़ता है। तो चलिए हम फटाफट से, अभी तक हमने एक भी कनेक्शन नहीं लिया, तो हमें 0 कर देना है, फिर हमें नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करते जाना है, फिर नेक्स्ट कर देना, आई एग्री पे क्लिक करना है। तो जैसे हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको सेंड OTP का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे हम सेंड OTP पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस नंबर पे एक OTP चला जाता है। तो जैसे OTP जाता है, OTP फिलअप करते हैं, वो भी जो भी मेरा VTAP नंबर होता है वो सेकेंड OTP मांगता है, तो सेकेंड OTP हो जाता है। तो इसी प्रकार से होता है। अभी क्या है कि न्यू आने वाला जो है यहाँ पे अपडेट, वो यहाँ पे कस्टमर फ़ोटो और जो भी आप एक्टिवेट, जो भी मतलब इसको चालू करेगा, जो भी चालू करेगा पर्सन, उसका भी यहाँ पे फ़ोटो लगने वाला है। कहने का मतलब जो भी रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका भी यहाँ पे फ़ोटो जो है वो कैप्चर होने वाला है। अभी जो है मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शन दिखाए, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं मैंने आपको बताया है कि जो है कस्टमर फ़ोटो लगेगा, यही बताया है, रिटेलर फ़ोटो नहीं बताया, बट अभी रिटेलर फ़ोटो लगने वाला है। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।